चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ वेस्ट की तरफ, जो कि है वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वेस्ट है कि हमारा जहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें रॉ मटेरियल लेके आना पड़ता है, अपने फिनिश गुड्स को भी हमें आगे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन को बहुत से लोगों को अजीब लगेगा कि ये वेस्ट है, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। तो अगर मुझे एक सिंगल लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन देनी हो ना, तो ये अननेसेसरी मूवमेंट है, मतलब कि जो मूवमेंट नहीं हमें चाहिए, चाहे वो मटेरियल की हो, चाहे वो टूल्स की हो, चाहे वो इक्विपमेंट की हो। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, डबल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि बिना अननेसेसरी मूवमेंट जो आपके पार्ट्स हैं, जैसे आपको पता है कि आज हमने ये करना है, आज हमारा ये काम है, टास्क पहले प्री डिसाइडेड नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ जा रहे हो, वेयर हाउस से पार्ट्स लेके आ रहे हो और अपना काम कर रहे हो। डबल हैंडलिंग ऑफ मटीरियल, शफलिंग ऑफ इन्वेंट्री, डबल हैंडलिंग ऑफ मटीरियल या शफलिंग ऑफ इन्वेंट्री टू गेट एक्सेस टू द राइट कॉम्पोनेंट्स, ताकि आपको सही चीज़ें मिलें। पर ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एक ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में अभी बेसिक लीन भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि बेसिक लीन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है एटलीस्ट 5S तो इम्प्लीमेंट हो। तो जब 5S इम्प्लीमेंट होता है ना, तो हर चीज़ अपनी जगह पे होती है और उनको टैग किया जाता है, प्रॉपरली बताया जाता है कि ये चीज़ें किस चीज़ के लिए ज़रूरत हैं और ये बिल्कुल ठीक हैं, ज़रूर इनको हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो हम सब सीखेंगे 5S में। बट दिस मीन्स आपके उसमें अभी लीन बेसिक रूप में भी नहीं लगा हुआ। तो जब हम वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ना, तो ये इन्वॉल्व करता है रॉ कॉम्पोनेंट्स को, कि अभी जो जिन पर अभी काम होना है, सब असेंबलीज, एम्प्टी बॉक्सेस और जस्ट एनीथिंग, कुछ भी, खाली डब्बे, कुछ भी, जो भी चीज़ें हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। और इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन प्रोडक्शन एरिया, बट ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये प्रोडक्शन एरिया में ही मिलेगा, आपको ये मटेरियल डिलीवरी एरिया में भी मिलेगा, कि जब प्रोडक्शन पूरी हो गई अब आपको डिलीवरी करनी है, क्योंकि कहीं तो आप मार्केट में भेजेंगे वो प्रोडक्ट बना के, तो वहाँ पे भी आपको वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। ये सारे सप्लाई चेन में होता है, सप्लायर से लेके एंड कस्टमर तक, ये सारों में आपको वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। तो एक चीज़ समझ के चलिए कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी ज़रूरी हो, आप बोलेंगे हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ता है, हमें प्रोडक्ट बना के मार्केट तक भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा, पर ये लीन के लिए, लीन अगर आप लीन की तरफ से बात करते हो, तो ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, आप इसे वैल्यू एडेड एक्टिविटी में शामिल नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसको रिड्यूस करना है ना, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग दिस वेस्ट विद इन योर फैसिलिटी। तो अगर आप ये कर सकते हो ना, कि आप अपना ट्रांसपोर्ट वेस्ट को देखें कि कहाँ कहाँ हम इसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उससे होगा क्या ना, एक तो टोटल लीड टाइम कम हो जाएगा। अब लीड टाइम मैंने आपको समझाया था कि जब कस्टमर की डिमांड आए और जब उसे फाइनली वो प्रोडक्ट मिल जाए, वो सारे टाइम को हम लीड टाइम बोलते हैं, तो वो कम हो जाता है। और अगर आपका इतना अच्छा सिस्टम है, आप अपने प्रोसेसेस को समझ चुके हो कि आपके जो भी प्रोडक्शन के ज़रूरी पार्ट्स हैं वो इसी उसी एरिया में साथ अवेलेबल हैं, तो क्या होता है कि प्रोसेसेस में भी साइकिल टाइम कम हो जाता है। तो इसको घटाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, एक ही ऐसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है जिसके लिए कस्टमर रेडी है पे करने के लिए, बाकी कस्टमर बिल्कुल पे करने के लिए रेडी नहीं है, वो है डिलीवरी चार्जेस। जैसे कि हम फेडेक्स के थ्रू, DHL के थ्रू चीज़ें भेजते हैं, तो हम वो वाली ट्रांसपोर्ट के लिए पे करने के लिए रेडी हैं, अदरवाइज कस्टमर किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, एडिशनली जब भी हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को उसकी जगह से हिला के कहीं दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक्सपोज हो जाता है, चाहे रिस्क हो, वो डिलेस भी हो सकते हैं, डैमेज, लॉस, एंड ये सारी चीज़ें कॉस्ट नकर करती हैं। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ छोटा सा, आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाइए जहाँ पे आपको फ्रिज भी मिलेंगे, रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे, टीवी सेट्स मिलेंगे, जो भी वॉशिंग मशीन्स वगैरह, वो शोरूम में ही होते हैं, लेकिन उनके वेयर हाउसेस किसी और जगह पे भी होते हैं, वो सारा सामान वहीं नहीं रखते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, तो अगर आपको वो इंसान बोले कि नहीं इसमें हम इतने पैसे एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, हम 500 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्योंकि हमें ये अपने वेयर हाउस से मंगवाना पड़ेगा, तो वो आप नहीं पे करोगे, वो कस्टमर नहीं पे करता, वो शॉप की जिसका भी वो स्टोर है वो उसी को पे करना पड़ता है, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ज़्यादा बेहतर तो यही हो कि जिस जगह पर आपका शोरूम हो उसके बहुत पास ही आपका वेयर हाउस हो, तभी आपकी वो कॉस्ट कम हो सकती है, ठीक है। तो लीन फिलॉसफी ये नहीं कहती कि आप ट्रांसपोर्टेशन हो ही ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ भी आपका प्रोडक्शन प्लांट लगेगा, ज़रूरी नहीं कि आपको रॉ मटेरियल्स नहीं मिलें। कई बारी हमें बहुत से फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्शन प्लांट यहाँ लगाने में फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन मिल रहा है, ये गवर्नमेंट से कुछ कंसेशन मिलते हैं, या हमारी मार्केट क्लोजर बाय है। तो आप क्या करते हो, आपको अपना रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, या हमारा अगर प्लांट रॉ मटेरियल के पास है तो मे बी हमारी मार्केट दूर हो सकती है। तो लीन ये नहीं कहता कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दो, पर वो कहता है कि इसको जितना हो सके उतना इसको कम कर दो, क्योंकि जब आप इसे कम करेंगे ना तो आपके जो प्रोसेसेस में से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ घटेंगी और आपको फालतू के जो कॉस्ट नकर हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो सेंसिबल प्रोडक्शन क्या होती है, जो फोकस करती है कि उनके जो भी उनकी असेंबली है, प्रोसेसेस हैं, उनमें मटेरियल्स कैसे फ्लो करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनी होती है कि आज हमारा काम क्या है या नेक्स्ट एक पूरे हफ्ते के लिए हमारा काम क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी कोशिश होती है कि वो उसको वहीं रखते हैं सो दैट जो ये फालतू की ट्रांसपोर्ट हो ना वो उनसे बच सकें। दूसरी बात है कस्टमर की, जो कस्टमर की डिमांड है वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब ये आप सब कुछ करोगे ना तो जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हैं वो कम होंगे, और वो कम होंगे तो वो आपको आपकी कंपनी के बॉटम लाइन में दिखेंगे। तो वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फाउंड इन, अब आपको ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फाउंड इन प्रोडक्शन एरिया, मटेरियल डिलीवरी एरिया एंड सप्लाई चेन, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्शन एरिया की बात करें तो विद इन द प्रोडक्शन एरिया वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी फाउंड व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट स्टोर्ड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज। अब प्रोडक्शन एरिया में आपको कहाँ मिलेगा वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब आपको जो चीज़ें चाहिए वो वहाँ पे पास में नहीं है, वो कहीं दूर वेयर हाउस में स्टोर की गई हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, जब आपको पता है कि हम हर काम, क्योंकि अगर आप लीन में बात करें और आजकल के मॉडर्न प्रोसेसेस की बात करें तो सारे काम ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं, डिफाइंड होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे आज के टास्क क्या हैं। तो उस हिसाब से उनको क्या चाहिए कि जितना इम्पॉर्टेंट उनको जो भी सामान चाहिए उस दिन के काम के लिए या नेक्स्ट कुछ दिनों के काम के लिए, उनको अपने जो पॉइंट ऑफ यूज़ है, जहाँ पर वो यूज़ होना है वहाँ लेके आना चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप एक छोटी इन्वेंट्री को स्टोर करें नियर द एरिया जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ यूज़ है, प्रोडक्शन एरिया के पास। इससे क्या होगा कि दिस विल अवॉइड हैविंग टू ब्रिंग द प्रोडक्ट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द वेयर हाउस। तो आपको बार बार वेयर हाउस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे प्रोडक्ट लाने के लिए, बिकॉज आपने रिक्वायर्ड चीज़ों को अपने जहाँ प्रोडक्शन एरिया है या जो पॉइंट ऑफ यूज़ है आपने वहाँ पर स्टोर कर लिया है। तो प्रोडक्ट एरिया के बाद हम देखते हैं कि मटेरियल डिलीवरी एरियाज में कैसे ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये ज़्यादा एविडेंट होता है मटेरियल डिलीवरी एरिया में प्रोडक्शन एरिया के मुकाबले। प्रोडक्शन एरियाज में ना कई बार ये वेस्ट हिडन हो जाता है, वो कहते हैं नहीं हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, हमें अपनी चीज़ें वेयर हाउस में ही रखनी है, बहुत रीजंस बता देंगे आपको, ठीक है, जो कि कंट्रोल हो सकते हैं और लीन उनको कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट है ना वो बहुत एविडेंट होता है, जैसे कि मूविंग प्रोडक्ट फर्दर देन नेसेसरी, कि आप अपने प्रोडक्ट को बिना मतलब से आगे उसको बढ़ा रहे हो जितनी उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो जहाँ उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, या अपने प्रोडक्ट को जब वो रेडी हो गया डायरेक्टली उसे भेजने की तरफ जहाँ आपकी मार्केट है, फाइनल उसका डेस्टिनेशन है, आप एक टेम्प्ररी जगह पे उसको स्टोर कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि पहले प्रोडक्ट बन रहा है वो टेम्प्ररी जगह पे जा रहा है,
फिर उसके बाद वो फाइनल डेस्टिनेशन पर जाएगा. तो जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन को करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इन्वॉल्व होती ही है, बट एक चीज़ याद रखिए, रिस्क भी होता है डैमेज होने का, प्रोडक्ट के ख़राब होने का. उसके बाद मूविंग एम्प्टी डिलीवरी कार्ट्स आर ऑल कंसिडर्ड अ वेरी बिग वेस्ट. क्या होता है कि आपने एक बार अपना प्रोडक्ट भेज दिया, अब जो कार्ट्स वापस आ रहे हैं वो खाली आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज होती है. अब इसका सोल्यूशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज मटीरियल हैंडलिंग रूट्स विल हेल्प रिड्यूस द वेस्ट. तो इससे क्या होता है कि सेम वही बात कि आपके स्टैंडर्डाइज मटीरियल हैंडलिंग रूट होने चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर एक जगह पे आपकी, मान लीजिए कोई चीज़ आप भेज रहे हो, ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो कोशिश हो कि वहाँ से वो एम्प्टी कार्ट्स ना आए, वो भी फिल होके आए, चाहे वो रॉ मटीरियल्स आए, जैसे भी आए, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए. फिर बात करते हैं मटीरियल डिलीवरी के बाद सप्लाई चेन की. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वो मेजर रोल प्ले करता है सारी सप्लाई चेन के अंदर. ऑब्वियस है, आप सप्लायर से रॉ मटेरियल लेने तक, एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने में हर जगह ट्रांसपोर्टेशन आती है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो इसे जब भी आपको, जब हम लीन इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इसको कोशिश करना चाहिए कि जितना कम हो सके उतना बेहतर है. ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग योर ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर वायबल ऑप्शन थ्रू द यूज़ ऑफ मेथड सच एज मिल्क रन्स. तो आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए. ऑप्टिमाइज कैसे करें, एक मेथड होता है मिल्क रन्स. अब मिल्क रन्स क्या होती हैं कि आप क्या करते हैं कि जब आप ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए आप कहीं से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आपका वो ट्रक्स आ रहे हैं रॉ मटेरियल के साथ, तो जितने भी सप्लायर्स उस रस्ते में आते हैं वो सबसे रॉ मटेरियल लेते हुए आएँ. तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है. तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना बैड ट्रांसपोर्टेशन का, कि कंपनी कैसे हैंडल कर रही है और वो अच्छे से नहीं चल रही, तो एक कंपनी है जिसकी दो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, प्लांट ए और प्लांट बी. तो क्या होता है कि वो बनाते हैं प्लास्टिक के कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले उनको रेजिन चाहिए. रेजिन एक प्लांट से जो रबर निकलती है उसको रेजिन बोलते हैं, तो उनको वो रेजिन चाहिए. तो वो रेजिन क्या होती है, सबसे पहले प्लांट ए में भेज दी जाती है, मतलब शिप कर दी जाती है. शिप करने का मतलब, हमेशा याद रखें, शिप नहीं होता किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट, उन्होंने उसको प्लांट ए में भेज दिया, ठीक है. लेकिन जो रेजिन है ना, ये बाद में क्या होना है, इसको प्लास्टिक के मोल्ड्स में कन्वर्ट करना होता है, वो होता है प्लांट बी में. तो क्या होता है कि रेजिन एक बारी प्लांट ए में पहुंच गई, उसके बाद वो वापस जाएगी प्लांट बी में, ठीक है, तो ताकि उसके मेन कंपोनेंट्स बन सकें. अब जब ये रेजिन है, इसको प्लांट बी में भेज दिया, तो दिस रेजिन इज यूज टू मोल्ड पार्ट्स विच, और ये जो मोल्डेड पार्ट्स है ना, इनको फाइनली फिर वो भेजते हैं प्लांट ए में, क्योंकि वहाँ पे वो फिनिश गुड्स बनते हैं. जो आपका रेजिन था उसको उन्होंने पहले मोल्ड प्लांट बी में भेजा, जहाँ पे उनको मोल्ड्स में बनाया गया, और फिर प्लांट बी से उनको वापस प्लांट ए में भेजा गया, ताकि उनके फाइनल गुड्स बन सकें. और वो फाइनल गुड्स कंबाइंड होते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ जो प्लांट बी में हैं. तो द पार्ट कंटेंट विद फिनिश प्रोडक्ट इज शिफ्ट बैक. फिर क्या होता है कि जो फिनिश प्रोडक्ट था उसे वापस प्लांट बी में भेज दिया. अब आप अगर इस सारे चीज़ को ना, आप एक रूट भी बना लोगे ना, स्केच भी बना लोगे, प्लांट ए प्लांट बी, आप देखोगे कि कितनी ट्रैवलिंग हो चुकी है सिर्फ कुछ पार्ट्स की, और ये बहुत अननेसेसरी है. तो इसका कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, कैसे लाई जा सकती हैं, कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल्ड भी होते हैं, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो कंपनी ने सोचे क्यों नहीं. सबसे पहले तो क्या कि रेजिन को प्लांट ए में भेजने की ज़रूरत ही क्या है, जब वहाँ पे वो यूज़ ही नहीं हो रही. उसका तो यूज़ होना है प्लांट बी में, जहाँ प्लांट बी में, क्योंकि वो उनको फाइनल वो मोल्ड्स बनेंगे, ठीक है ना. तो वो उसको पहले ही सीधा प्लांट बी में भेजें, प्लांट ए में भेजना ही क्यों है. उससे क्या होता है, एक रन सेव होता है फालतू की ट्रांसपोर्टेशन. या फिर जो भी मोल्डिंग के पार्ट्स हैं, जो मोल्डेड पार्ट्स बनने हैं, उनको प्लांट बी में बनाने की बजाय आप सीधा ही प्लांट ए में बनाएं, तो उससे क्या होगा, दो ट्रिप्स बचेंगी. एक तो रेजिन सीधा आ गई है प्लांट ए में, और दूसरी बात है जो मोल्डेड पार्ट्स हैं वो वही बन जाएंगे, और फिर फिनिश गुड्स जो हैं वो बी में भेज देंगे. तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सकती है.
तो जब हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तो दिस मीन्स कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होंगी इसमें, ठीक है। तो वो कॉस्ट कैसी हैं? तो पहला तो है द वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ डिज़ीज़, क्योंकि बहुत सारी बार कंपनीज को पता ही नहीं होता कि इतना उनकी ट्रांसपोर्टेशन में उनका पैसा जा रहा है, जिनकी वजह से उनकी बहुत सारी मनी यूज़ हो रही होती है और वो अलार्मिंग होती है। अगर वो सारा कलेक्शन रखना शुरू कर देना रिकॉर्ड्स, तो समझ पाएंगे कि उनका कितना मनी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है। तो उनको सिर्फ एक चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ रहा कि एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे, जो उनके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसके अंदर भी बहुत सारे कॉस्ट हैं, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, फिर आपको स्टाफ चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको स्टाफ को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, मान लीजिए एक्स्ट्रा आपको उसको एक्स्ट्रा पैकेजिंग करनी पड़ेगी, या जो वेयर हाउस है उसका टेम्परेचर कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट्स ख़राब ना होने दे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मटीरियल एंड सो फॉर्थ। तो ये तो हिडन कॉस्ट हैं जो आपको पता भी नहीं चलती होती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ना, ऑफन लीड्स टू ऑपरेशंस हैविंग टू वेट फॉर प्रोडक्ट। तो कई बार आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका एक और वेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है वो होता है वेस्ट ऑफ वेटिंग, क्योंकि जो आपके ट्रांसपोर्ट टाइम से नहीं आया, आपका रॉ मटेरियल टाइम से नहीं पहुंचा, तो आपके लोग और मशीन आइडल हैं, तो वो भी तो कॉस्ट आपको पड़ रही है। फिर दूसरी कॉस्ट ये है कि आपका, अगर आपका टाइम से चीज़ें नहीं आई तो लीड टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन आप उसे प्रोसेस करके उसे दे नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास पूरा मटेरियल नहीं है, तो लीड टाइम बढ़ गया, ठीक है ना। और डिलीवरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं क्योंकि आप टाइम से डिलीवरी नहीं कर सकते, तो ये भी सारी कॉस्ट हैं। एक्सेसिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो गिव्स मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंडलिंग डैमेज एंड लॉसेस। कई बार क्या होता है कि जब बहुत ट्रांसपोर्ट हो रही हो ना, तो बहुत सी चीज़ें डैमेज भी होती हैं, लॉसेस भी होते हैं। तो जैसे कि पीछे एक एग्जांपल था कि एक पूरी की पूरी शिप डूब गई थी, जिसमें बहुत सी बीएमडब्ल्यू कार थी जो कि शिप हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे जो मैं शिप का मतलब है, तो जेन्युइन शिप ही जा रही थी और वो डूब गई, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स अगर मुझे आपको देने हों कि क्या हैं एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के, तो वो हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन फंक्शनल एरिया सच एज प्रेसिंग टू अनदर एरिया इज वेल्डिंग। अब आपके पास, आप दो काम कर रहे हो, एक जगह पे प्रेसिंग हो रही है, दूसरी जगह पे वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या करते हो, प्रेसिंग होने के बाद सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ वेल्डिंग हो रही है, क्यों ना ये दोनों सेल्स को इकट्ठा किया जाए ताकि काम एक के बाद एक चलता रहे, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए था, पर वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जा रहा है। द यूज़ ऑफ मटीरियल हैंडलिंग डिवाइसेस टू मूव बैचेज ऑफ मटीरियल। अब आप क्या कर रहे हो, बड़े बड़े मशीन्स हैं, फोकलिफ्ट हैं, जो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी बैचेज में, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, वो एक सेल से दूसरे सेल में लेके जा रहे हैं। जो शिपमेंट होती है फ्रॉम वन फंक्शनल फैक्ट्री टू अनदर, आप क्या करते हो, अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो दो जगह पे बन रहा है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि प्लांट ए और प्लांट बी, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें भेज रहे हो। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चीपर कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो कई बार हमें लगता है कि ये कुछ सामान है, ये उस कंट्री से हमें सस्ता मिलेगा, पर आप ये भूल जाते हो कि साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो पहले उसको देखिए, अगर उसके बाद भी आपको वो मिल रहा है और डैमेज के भी चांसेस हैं, कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या इतनी श्योरिटी है, इंश्योरेंस है कि वो प्रॉपर आपके पास पहुँच जाएगा बिना डैमेज के, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद भी वो आपको सस्ता पड़ेगा, फिर वो होना चाहिए, अदरवाइज ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। और अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, तो आपने बहुत बार देखा है कि पेशेंट्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ले जाया जाता है। होना क्या चाहिए कि यूजुअली आजकल ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं, इवन एक्सरे मशीन्स भी ऐसी आ चुकी हैं जो वो रूम टू रूम लेके उनका सारा देख सकते हैं पेशेंट्स को, तो उनको मूव नहीं करना चाहिए। सेंडिंग ओवर स्टॉक्ड इन्वेंट्री बैक टू वेयर हाउस। अब अपनी जो इन्वेंट्री है, आप उसे बार बार वेयर हाउस में भेजते हो क्योंकि अब आज का काम पूरा हो गया, फिर दूसरे दिन वेयर हाउस से मंगवाते हो। अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें, तो कई बार क्या लगता है कि हमारी साइट, जैसे मान लीजिए एक सर्वर पे ऑलरेडी चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक है, सडन आप देखते हो कि गो डैडी ने कुछ नए ऑफर्स आपको दे दिए हैं, तो आप सोचते हो ये हमें बेटर पड़ेगा, चीपर पड़ेगा, तो आप सोचते हो कि हम शिफ्ट कर लेते हैं अपने सारे का सारा साइट। तो साइट के ऐसे ही शिफ्ट नहीं हो जाती, उसमें बहुत सी कोडिंग होती है जो सब कुछ शिफ्ट होता है, तो आप भूल जाते हो कि हम जब इंटीग्रेट करेंगे उसके भी चार्जेस लगेंगे, जिन बंदों को हम इन्वॉल्व करेंगे उनका टाइम लगेगा, कोई एरर्स आ सकते हैं, डाउन टाइम आ सकता है। अगर वो सब वर्थ इट है तो कीजिए, वरना वो एक आप एक वेस्ट
वेस्ट ही क्रिएट कर रहे हो. ट्रांसपोर्टिंग आउट ऑफ सीजन प्रोड्यूस, कि जैसे मान लीजिए कि अब हमें सर्दियां हैं, इंडिया में हो आप और नवंबर दिसंबर है, तो आप मैंगोज मंगा रहे हो किसी और कंट्री से, वो क्या है, ईटिंग लोकल बेसिकली होना चाहिए कि जो जब जो सीज़न है आप वो खाएं. लेकिन नहीं, आपने ट्रांसपोर्ट करके वो एक्स्ट्रा कोल्ड स्टोरेज से कहीं से भी चीज़ें आती हैं, तो उनको ये भी सारी कॉस्ट ऑफ या एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन है जो कि वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हैं कॉजेज वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कि किन वजहों से हमें ये वेस्ट इन अकर करना पड़ता है. तो बहुत से कॉजेज हैं जो वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेवार होते हैं, लेकिन एक जो है वो है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन. जब आप प्रोड्यूस कर ही जा रहे हो, कस्टमर के भी डिमांड नहीं आई, पर फिर भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपको जितना भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, चाहे आपकी फैसिलिटी है या जहाँ भी वो प्रोडक्ट्स हैं, आपको कहीं तो उनको स्टोर करना पड़ेगा. स्टोरेज के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी पड़ेगी. और जब आप ओवर प्रोड्यूस करते हो ना, तो एक और चीज़ होती है वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री. आपको इन्वेंट्री भी तो चाहिए, जब आपको रॉ मटेरियल चाहिए तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हो. तो फिर आप क्या करते हो, बहुत सी इन्वेंट्री इकट्ठा करते हो. तो जब इन्वेंट्री इकट्ठी होती है तो अलग अलग जगहों से सप्लायर से आती है, तो सप्लायर से भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आप तक पहुंचती है. ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री है ये आपकी फैसिलिटी में आती है, या आपके ये जो चाहे तो आपकी फैसिलिटी के बीच में ही ट्रैवल कर रही है, कि एक जगह पे हमने रखी हुई है, जहाँ जहाँ चाहिए उसे वहाँ भेजना. पर भेजने के लिए भी हर चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती, हर चीज़ ईमेल नहीं है कि आपने बटन क्लिक किया और ईमेल चली गई. तो कई बार प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको मैनुअली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उनके लिए आपका खर्चा होता है. ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज़ में भी, चाहे जैसे मैंने कल आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि आपके पास दो प्लांट्स हैं, तो आपने क्या किया कि उन फैक्ट्रीज में भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, टू एंड फ्रो प्रोडक्ट जा रहा है. या कई बार कई बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग देशों में होते हैं, तो इवन कॉन्टिनेंट्स में आप वो इन्वेंट्री भेजते हो. जहां भी आपको लगता है कि हमें सीक्रेट पे मिल रही है, तो आप वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे भेजते हो. तो हर चीज में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो रही है. तो अगर हम बात करें ओवर प्रोडक्शन के साथ साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट है ना, जैसे हम बनाए हुई हैं, हमारी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, या जैसे अभी तक काम होता आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत 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 बड़ा रीज़न है कि वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारी कम फैक्ट्रीज में. जैसे कि अभी तक क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट या फंक्शनल साइलोज के हिसाब से बनाए, कि यहाँ पे वेल्डिंग का काम होगा, यहाँ पे पेंट का काम होगा, यहाँ पे प्रेसिंग का होगा, यहाँ पे मोल्डिंग का होगा, ये मैं बात कर रही हूँ अभी मैन्युफैक्चरिंग की. तो उनके लिए अलग अलग एरियाज बने हुए हैं, तो क्या होता है प्रोडक्ट एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं, और उनमें कोई सिंक नहीं होता. ये नहीं होता कि इसके बाद ये और ये, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि प्रोसेस में प्रोडक्ट कैसे फ्लो हो रहा है. उन्होंने बस अपने अपने प्लांट्स लगे हुए हैं, और वो क्या होता है ट्रैवल करता रहता है प्रोडक्ट. ठीक है, कभी एक कई बार क्या होता है कि सारा चक्कर लगाने के बाद वो फिर वापस उसी प्लांट में जाता है, क्योंकि वहां पे जाके उसको कुछ फिनिशिंग टचेस देने होते हैं. तो ये बहुत बड़ा वेस्ट है. हम कुछ इस दो मेन जो वेज हैं जिसके हिसाब से लेआउट बनी हुई हैं, हम उनको भी कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे. फिर बात आती है विद इन ईच फंक्शनल एरिया वी टेंड टू लीव एक्सेसिव गैप्स. तो क्या होता है कि अलग अलग फंक्शनल एरियाज में ना हम बहुत गैप छोड़ देते हैं. तो हमें क्या होता है, बड़े बड़े फिर ट्रक्स चाहिए होते हैं, जो पंप ट्रक्स होते हैं, जो कि प्रोडक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं. अब ये सब क्या है, बेसिकली ये वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. फिर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन, जब आपके वेयर हाउसेज जगह जगह हैं, चाहे आप अपना फिनिश प्रोडक्ट भेज रहे हो, इन्वेंट्री मंगवा रहे हो, तो सब कुछ क्या है इन्वॉल्व कर रहा है वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को. या आपका जो मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, उसके बाद लार्ज बैच साइजेस बनाना तो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है, और लीन इसे रिकमेंड नहीं करता. तो अब हमें कॉजेस समझ आ गए हैं. कॉजेस तो बहुत हैं, एग्जांपल्स में भी हमें कॉजेस पता चल गए थे कि क्या चीज़ें हैं जो वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कॉज करते हैं. अब बात ये आती है कि अगर ये हो रहा है, ठीक है ना, तो
ऐसे तो हमें नज़र नहीं आएगा, अगर मैं किसी को कुछ भी बोलूँगी ना, तो जब तक हम उनको दिखा नहीं देते कि देखिए आपका इतनी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं और इतना रिसोर्सेज आपका इन्वॉल्व है, उनको आप प्रैक्टिकली नहीं बताओगे ना तो उनको समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही वेस्ट ऑफ वो उनको बड़ा नॉर्मल लगता है कि हाँ यहाँ से तो रॉ मटेरियल आना ही है, हमारे फैक्ट्री में से तो प्रोडक्ट्स जाने ही हैं, या एक डिपार्टमेंट से या एक जो फैक्ट्री के दूसरी फैक्ट्री में जाएंगे, वो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं जब तक उनको एग्जैक्ट कॉस्ट ना बताई जाए कि आप इतना कॉस्ट इस पर स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मेजर कैसे करना है जो वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो उसके लिए ना बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सिंपल से एक टूल का नाम देती हूँ, मेजर्ड बाय यूजिंग डिस्टेंस मेजरिंग व्हील। ये इजीली अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन पे भी जाओगे ना, इजीली ये अवेलेबल है। ये डिस्टेंस मेजरिंग टूल है, मेजरिंग टेप्स तो होती हैं बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये कुछ खास नहीं होता, बड़ा सिंपल सा टूल है। मैं इसकी इमेज डाल दूँगी इस लेक्चर के साथ। मैंने जैसे बोला आप अमेज़ॉन पे भी चेक कर सकते हो, ऐसे एक स्टिक होती है, रॉड बोल लीजिए, उसके साथ एक व्हील अटैच होता है और यहाँ पे वहाँ एक मीटर होता है, ठीक है। और इस मीटर पे यूजली रीडिंग आती है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है ये मिलना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप डिस्टेंस को देख सकते हो कि अगर जैसे वर्कर्स भी हैं ना, तो वो मेजर कर सकते हैं कि अगर हमें ये काम करना पड़ा तो हमने कितना डिस्टेंस आज ट्रैवल किया, ठीक है, उसकी हेल्प से, क्योंकि उसको वो साथ साथ चलता रहता है और वो मेजर करता रहता है। तो एक बुक आई है जिसका नाम है मेकिंग मटेरियल्स फ्लो, वहाँ से मैंने ये एक्सट्रैक्ट लिया आपको समझाने के लिए एग्जैक्टली कि आप ये चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं कि मेजरिंग व्हील ले लीजिए या टेप से कर लीजिए, लेकिन हमने क्यों लेनी है। तो उसको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना वहाँ से आपके लिए ये एग्जाम्पल लिया, ताकि आपको पता चले कि आपके कितना पैसे लग जाते हैं, जो चीज़ें नॉर्मल भी हमें लगती हैं ना कि वर्कर्स इतना चल रहे हैं, वहाँ से चीज़ें यहाँ लेके आ रहे हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें, पर जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपको समझ आएगा कि आप कितना मनी एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो उस पर, ठीक है। तो एग्जांपल ये है कि अगर उसी बुक से जो मैंने लिया कि अगर आप देखें कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो जो हर स्टेप है ना वॉकिंग का, वो इक्वलेंट है 2.5 फीट के, ठीक है। और ईच 2.5 फीट इज इक्वलेंट टू 0.6 सेकेंड्स, कि अगर आप 2.5 फीट चलते हो तो आपको 0.6 सेकेंड्स लगते हैं। अगर आप मीट्रिक सिस्टम यूज़ करते हो तो वन स्टेप जो होता है ना वो इक्वलेंट होता है 0.762 मीटर्स के, ठीक है। दिस मीन्स एवरी, अगर आप 4.166 फीट ट्रैवल करते हो ना, जिसका मतलब है कि आपने 1.27 मीटर को ट्रैवल किया, तो 1 सेकेंड टाइम आपका ख़राब होता है। देयरफोर इफ योर प्रोसेस डिस्टेंस इज 10,000 फीट पर डे, अगर आपका जो प्रोसेस डिस्टेंस है ना कि आपको यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाना है और वो 10,000 फीट है पर डे, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो होता है 10,000 फीट पर 4.1667 फीट पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि आपके 2400 सेकेंड्स लगे उस काम को, वहाँ पे उतना डिस्टेंस टाइम लगा उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, जिसका मतलब हुआ 40 मिनट्स, अगर घंटों में निकालना है तो 0.67 आवर्स, ठीक है। तो अगर अब इस टाइम को हमने क्यों निकाला, हम बेसिकली ये देखना चाहेंगे कि हमारे कितने पैसे लगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना लेबर रेट से, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया कि अभी कुछ मैंने आपको बोला नहीं कि कितना लेबर रेट है आपका, और ये नंबर ऑफ आवर्स ट्रैवल्ड कि जितना टाइम आपका ट्रैवलिंग में यूज़ हुआ, तो अगर आपका लेबर रेट है मान लीजिए $30 पर आवर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, $30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.67 आवर्स के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया $20 ऑफ वेस्टेड टाइम पर डे, कि हर दिन आप जो एक इंसान की लेबर उसे दे रहे हो उसमें से $20 तो है ना वो सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम में ही वेस्ट हुए, उसने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। इफ़ योर वर्क, अगर आपके वर्कर जो हैं वो महीने में 20 दिन काम करते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आपके हर महीने एक बंदे के लिए $400 पर मंथ आपके वेस्ट होते हैं, जो सिर्फ वेस्ट होते हैं क्योंकि वो सिर्फ ट्रैवल कर रहे होते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह या कुछ भी, तो उस टाइम इतना अमाउंट ऑफ जो मनी है ना वो किसी प्रोडक्टिव एफर्ट में नहीं लग रहा उनका, वो सिर्फ उनका लग रहा है क्योंकि वो चीज़ों को इधर उधर करें। तो ये आप बेस्ट तब समझेंगे जब आप पहले अपना डिस्टेंस मेजर कीजिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ नॉर्मल रेगुलर काम करने के लिए कितना डिस्टेंस रोज
उसका ट्रैवल करते हैं, ठीक है, आप उसे मेजर कीजिए, फिर आप इम्प्रूवमेंट्स लेके आइए. मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी इस लेक्चर के बाद, आप उनको यूज़ करके इम्प्रूवमेंट्स लेके आइए, और इम्प्रूवमेंट्स के बाद फिर से आप मेजर कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपने कितनी मनी सेव की है. तो मेजरिंग व्हील और टेप के साथ साथ आप यूज़ कर सकते हो स्टॉप वॉच, कि हम जब मेजर कर रहे हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट कितना है, तो आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हो. और उसके लिए आप कैसे कर सकते हो कि आप अपना टाइम स्टॉप वॉच को ऑन करके देख सकते हो कि आपको एक चीज़ को जाके लेके आने में कितना टाइम लगा, और फिर आप उस टाइम को एक रिकॉर्ड कर सकते हो. वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम चेकलिस्ट रेडी करते हैं हर एम्प्लॉय की, और उन चेकलिस्ट पे वो टाइम भरा जाता है, ताकि बाद में ये जो भी इकट्ठा हो ना इन्फॉर्मेशन, इसका एनालिसिस किया जा सके और देखा जा सके कि कहाँ कहाँ हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. फिर सबसे ज़रूरी बात कि जब अगर आपने किसी भी तरीके का वेस्ट एलिमिनेट करना है ना अपने सिस्टम में से, सबसे ज़रूरी है कि आपके पास आपके हर प्रोसेस का, हर प्रोसेस स्टेप का डिटेल्ड वैल्यू स्ट्रीम मैप या प्रोसेस मैप रेडी हो. उसमें सब डिटेल्स हों कि कितना टाइम लगता है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं हर प्रोसेस के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके कितने स्टेप्स हैं और वो कितने टाइम में कम्प्लीट होता है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा. तो जब आपके पास ये वैल्यू स्ट्रीम रेडी होता है ना, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो बहुत इजी हो जाता है ना कि सिर्फ वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को फिगर आउट करना, ढूंढना और एलिमिनेट करना, और बाकी के भी जो वेस्ट हम 8 वेस्ट की बात कर रहे हैं वो कम हो जाते हैं और उनको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं. फिर आती है कि अपनी जो लाइन हॉल कॉस्ट है ना, उसे रिव्यू कीजिए, ठीक है. अब लाइन हॉल कॉस्ट क्या होती है, जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना, तो रेफर टू द मूवमेंट, कि कितनी मूवमेंट हो रही है फ्रेट की, जो भी आपका सामान है, चाहे वो बड़े से बड़ा है, चाहे छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट है, और कोई भी मोड हो आपका ट्रांसपोर्ट का, चाहे आप लैंड के थ्रू भेज रहे हो, आप ट्रक से यूज़ कर रहे हो, वैन यूज़ कर रहे हो, या बाय एयर भेज रहे हो, या बाय वाटर भेज रहे हो, एंड डिस्टेंस कितना है उन सिटीज़ के अंदर, ठीक है. ये सारा आपको रिव्यू करना पड़ता है. और जो ये फ्रेट्स होती है ना, डिफरेंट वॉल्यूम की होती हैं, कभी सेम नहीं होती. जिन्होंने पहले ही बताया कि इनका वॉल्यूम और वेट डिफरेंट होगा, छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं और हैवी से हैवी पैलेट्स भी हो सकते हैं. तो आपको सारी चीज़ों का ये एक लॉग रखना पड़ता है कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं. अगर आपको जेन्युइनली पता लगाना है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे कितना मनी स्पेंड हो रहा है और कितना लॉजिकल है और कितना इनलॉजिकल है, उसके बाद जब एक बार आपको मेजर करना समझ आ जाएगा ना, आप मेजर करना शुरू कर दोगे, रिव्यू करना शुरू कर दोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि काफ़ी डेंजरस वेस्ट है, ठीक है. तो इसके तरीके भी हैं फिर एलिमिनेट करने के. तो सबसे पहला तरीका जो है वो है कि आप सेलुलर लेआउट की तरफ चले जाइए इंस्टेड ऑफ फंक्शनल लेआउट. अब फंक्शनल लेआउट क्या होता है, फंक्शनल लेआउट होता है कि इट इज़ अ वर्क प्लेस इन विच प्रोसेसेज आर ऑर्गेनाइज बाई द टाइप ऑफ वर्क, कि जो प्रोसेसेज हैं ना वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं, कि क्या वो काम करते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है. वैल्यू स्ट्रीम का वो कुछ ध्यान में नहीं रखते. वैल्यू स्ट्रीम का मतलब क्या है, कि प्रोडक्ट कैसे मूव करेगा, कि किस प्रोसेस के बाद उसने किस प्रोसेस में जाना है, वो उसको नहीं कंसिडर करते. वो सिर्फ उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बने होते हैं, कि यहाँ पे पेंटिंग होगी, यहाँ पे मोल्डिंग होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट को और कुछ शेप दिया जाएगा, तो उस हिसाब से अलग, यहाँ ड्रिलिंग होनी है, यहाँ वेल्डिंग होनी है, तो वो उस हिसाब से रखा होता है. पर वैल्यू स्ट्रीम कंसिडर नहीं की जाती, कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर जब हम कहते हैं कि शीट्स को फ्लैट करने के बाद अगर पेंट करना है तो होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन वहाँ पे पेंटिंग का डिपार्टमेंट कहीं और ही होगा, ठीक है ना. तो वैल्यू स्ट्रीम को ये फंक्शनल जो लेआउट है ये नहीं कंसिडर करता. तो इसका बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इंडस्ट्रीज़ में, अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज़ हो जाएंगे जो ना अगर आप इनके रियल में देखेंगे. तो ये सबसे इजी एग्जांपल मैंने इसलिए चूज़ किया ताकि मैं अभी आपको इसमें कंफ्यूज़ ना करूं. तो पर आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्ट जो है वो कितना इधर उधर घूम रहा है, ठीक है. तो आप देखें कि ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनको सबसे पहले टर्निंग करनी है, फिर इनकी माइलिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, फिर ये वेल्डिंग पे जाते हैं, फिर इनकी फाइनल असेंबली होती है, और फिर फाइनल टेस्टिंग होती है. तो आप देख सकते हैं कि कितनी मूवमेंट हो रही है, ठीक है. तो फंक्शनल लेआउट की जगह
लीन क्या कहता है कि आप सेलुलर लेआउट की तरफ मूव कर जाए। अब अपने चीज़ों को थोड़ा चेंज करने में कुछ एक्सपेंडिचर लगता है, लेकिन अगर आपका वाकई बहुत सा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे जा रहा है और आपकी चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं, कई बार हम मूवमेंट करते हैं तो चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो अगर वो कॉस्ट को आप देखेंगे और ये कॉस्ट को देखेंगे, वन टाइम कॉस्ट है, तो उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होता है। सो ये जो है सेलुलर लेआउट है ना, इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ मल्टीपल सेल्स इन एन असेंबली फैशन। ठीक है, तो मल्टीपल सेल्स होते हैं और एक असेंबली लाइन की तरह होते हैं। ईच ऑफ दीज सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ वन और मल्टीपल डिफरेंट मशीन्स। तो हर सेल में या तो एक मशीन होती है या कुछ सारी मशीन्स होती हैं दैट अकम्प्लिश सर्टेन टास्क। तो वो एक पूरे टास्क को फिनिश करने में होती हैं, इस हिसाब से बना होता है ताकि एक पूरा टास्क उस फंक्शनल सेल में पूरा हो सके। द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट, ईच स्टेशन कम्प्लीटिंग पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट एक सेल से दूसरी सेल पे जाता है ना, तो वो उस सेल्स का काम पूरा हो जाता है, तभी वो दूसरा जाता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये क्या करता है सेलुलर लेआउट क्या करता है कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या काम करता है कि प्रोडक्ट लेआउट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करता है और प्रोसेस लेआउट को भी, बीच में दोनों को कंबाइन कर लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे एक वर्क सेल है सारे का सारा, तो आप इसमें देखेंगे जब प्रोडक्ट एंटर करेगा तो एक उसका वर्क सेल 2 है और वर्क सेल 3 है, और हर वर्क सेल के बीच में वर्क स्टेशन हैं, वर्क स्टेशन 2A, वर्क स्टेशन 2B और वर्क स्टेशन 3A। तो प्रोडक्ट एक बार एंटर करेगा तो वर्क स्टेशन 2 में उसका जितना काम होना होगा होगा, फिर वो प्रोडक्ट वर्क स्टेशन 2B में उसका काम वो ख़त्म हो, जब पूरा हो जाएगा तभी उसकी फर्दर मूवमेंट होगी। तो जब हम बात करते हैं ना कि हमें सेलुलर लेआउट की तरफ मूव कर जाना चाहिए, तो क्या होता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत फ़ायदा होता है। इनिशियली उनको कॉस्ट होती है क्योंकि उनको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है अपना सारा प्रोडक्शन मेथड, जैसे काम चल रहा है उसको रोक के एक नए तरीके से करना पड़ता है, देन रीबिल्डिंग। आप ये कहते हो ना कि ग्राउंड ज़ीरो से आप सब कुछ शुरू करते हो, पर वो आप शुरू कैसे करते हो, आप देखते हो कि आपके वैल्यू स्ट्रीम के अकॉर्डिंग प्रोसेसेस कैसे मूव कर रहे हैं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है ना, तो आप क्या शुरुआत से या आपकी सोच कैसी होती है कि हम इस तरीके का कुछ बनाएं सेलर मूवमेंट में जो कि प्रोडक्ट के अराउंड हो और कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, और अराउंड अ डिज़ायर टू क्विकली चेंज, और आप ऐसा फैसिलिटी रेडी कर लेते हो कि जिसको अगर मार्केट में मान लीजिए कोई चेंज आ गई प्रोडक्ट में, ठीक है, या कस्टमर्स की नीड में चेंज आ गई, तो आपका सिस्टम ऐसा बन जाता है कि आप क्विकली उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हो और अडेप्ट कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप चेंज हो जाते हो, आप फ्लेक्सिबल बन जाते हो। जो सेलुलर लेआउट है ना, वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं है कि आप वहीं पे उसे यूज कर सकते हो, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, शॉप्स में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, अपने वैल्यू स्ट्रीम को समझने की ज़रूरत होती है, और आप अपना सेलुलर लेआउट रेडी कर सकते हो। इसके अलावा एक और सजेशन है कि आपका जो मटेरियल्स है ना, वो पॉइंट जहाँ पे यूज़ होना है उनको वहीं पे ले आएँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैन आवर्स लगेंगे, और अगर ज़्यादा स्पेस नहीं भी आप ये फिर भी कर सकते हो। कैसे, आप अपने पूरे एक हफ्ते का काम देखिए कि हमारे क्या प्रोसेसेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए, और आप फिर सिर्फ उतना सामान अपनी पॉइंट ऑफ यूज़ के पास ले आइए। उससे क्या होगा कि जो ये बहुत सारा वेस्ट ऑफ टाइम होता है ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो कम हो जाएगा। तो अगर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दिया कि क्या है वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इसकी समरी में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। तो क्या है वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी, व्हेन एनीथिंग, चाहे वो लोग हों, इक्विपमेंट हो, सप्लाईज हों, डॉक्यूमेंट्स हों, जो अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, उससे भी बुरा एक तो होता है कि नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होती है, बुरे से बुरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप रॉन्ग पार्ट्स भेज रहे हो, रॉन्ग जगह पे भेज रहे हो और गलत टाइम पे भेज रहे हो, वो तो बिल्कुल ही टोटल वेस्ट है। ठीक है, इसको कट करने का एक तरीका है कि आप को लोकेशन को यूज़ करें। इसका मतलब क्या है कि जहाँ आपके कस्टमर्स हैं वहीं आपके सप्लायर्स भी हों, इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का जो वेस्ट है वो कम हो जाता है। या फिर जो डिपार्टमेंट्स, आप अपने वैल्यू स्ट्रीम को देखें कि एक प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, तो आप अपने डिपार्टमेंट्स को उनके साथ साथ रखें। जैसे अगर आपको पता है कि प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 आता है, तो वो दोनों डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा रखिए अपने उसमें, ताकि जो वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो
कम हो. एग्जाम्पल, अगर जैसे मटेरियल एंड टूल्स डिपार्टमेंट है ना, उसको आपको रीलोकेट करके, प्री पोजिशन करके उस यूज़र डिपार्टमेंट के पास ले आना चाहिए. ठीक है, जो कि इंटरनल कस्टमर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि वही बात कि मूव योर मटेरियल्स क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज़. वैसे तो मैंने इसको काफ़ी डिटेल में समझा दिया, लेकिन इस लेक्चर के साथ मैंने एक केस स्टडी भी लगाई है, जो कि एक PPT फॉर्म में आपको मिलेगी इस लेक्चर के साथ. अगर आप और डिटेल्स में जाना चाहते हो ना कि क्या होता है ये वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको यूज़ करके अपना वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम कर सकता हूँ, तो वो PPT आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी.